बंगाल की खाड़ी में मंगलवार 7 अक्टूबर को सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके सुबह 5:32 पर आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इस भूकंप की लोकेशन बंगाल की खाड़ी में 10 किलोमीटर की गहराई में रही। सेंटर की तरफ से जारी की गई तस्वीर में देखा जा सकता है कि भूकंप का केंद्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह से दूर नजर आ रहा है। इस भूकंप में जानमाल के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है। सोमवार को ही दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। दिल्ली NCR के अलावा UP, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा जैसे राज्यों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। उत्तर भारत में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। सोमवार को आया भूकंप ऐसे समय में आया जब शुक्रवार रात ही लोगों को भूकंप के झटकों से दो-चार होना पड़ा था। हालांकि इस बार भूकंप के झटकों की तीव्रता कम रही है। दरअसल नेपाल के पश्चिमी हिस्से में मौजूद जाजरकोट और उसके आसपास के इलाकों में 5.8 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसकी वजह से इसके झटके उत्तर भारत में भी महसूस किए गए थे। यहाँ पर शुक्रवार रात ही भूकंप आया था जिसमें 153 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। भूकंप के झटकों की वजह से नेपाल में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस भूकंप के झटके भी दिल्ली NCR तक महसूस किए गए थे। लोगों को घरों से बाहर निकलते हुए भी देखा गया था।